ओ भाई भाई, फाइनल में लेके आ चुका हूँ आपके लिए कैम्ब्रियो लेके, जहाँ पे आप सभी लोगों को 200 रुपीज मिलने वाला है। इस कैम्ब्रियो में एक बग चल रहा है जहाँ पे आपको ना हाफ प्रोसेस करने पे 200 रुपीज मिलने वाला है। इस कैम्ब्रियो के आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, एंटर योर पेरेंट नंबर। सेकंड स्टेप में लिखा है कि ना इंस्टॉल एंड रजिस्ट्रेशन। एंड थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है कि ना आपको ना अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, और ये जो कोड दिया हुआ है आपको ये कोड को ना अप्लाई करना है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में आपको एक फर्स्ट स्टेप कोई काम करिए। फिफ्थ स्टेप में लिखा हुआ है कि एंटर योर केवाईसी, मतलब कंप्लीट आपको केवाईसी करना है। तो इसमें आपको कंप्लीट बिना केवाईसी के आपको 100 रुपीज रिसीव, मतलब रिसीव हो रहा है इस बग के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना पेटी नंबर डाल देना है यहाँ पे जो इसमें आपको 200 रुपीज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना पेटी नंबर डाल देता हूँ। डालने का जो भी पेटी नंबर डाल दोगे तो यहाँ पे कीबोर्ड को हटा देना है। हटाने का यहाँ पे जो सबमिट का बटन दिख रहा है ना, सबमिट के बटन पर टैप कर देना है। टैप कर दो तो प्ले स्टोर पर आ जाएगा। प्ले स्टोर पर आने का आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो इंस्टॉल में इसको कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने का जैसे यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर मांगेगा, तो अपना मोबाइल नंबर डाल देना है आपको यहाँ पे। तो आपको पता है मोबाइल नंबर डालोगे जिस पर ओटीपी तो आएगा ही, तो अपना ओटीपी भी आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कर दोगे यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल मांगा, बता कि आपको प्रोफाइल क्रिएट करने को बताएगा जो थर्ड स्टेप में था, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम डाल देना, जेंडर डाल देना, और जैसे प्रोफाइल के अंदर बताया था आपको कोड, जो मैं आपको ये बताया था कि कोड को आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देना यहाँ पे आपका ये अगर कोड गलत हुआ तो आपको ना ये 200 रुपीज रिसीव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे तो आपको अपना स्टैंडर्ड पूछेगा। तो यार आप लोग वैसे भी बहुत सारे जन अभी कॉलेज में होंगे या फिर स्टडी नहीं किए होंगे, तो आपको क्या करना, या आप जो अगर पढ़े हो आप, मतलब कॉलेज में आपका पुराना वाला आईडी कार्ड होगा, आपको उसका स्टैंडर्ड डाल देना, 12th स्टैंडर्ड वो डाल देना, ठीक है। डाल दो यहाँ पे आपको आप कौन सा सिटी में, आपको वो सिटी डाल देना है। तो फिर मैंने आपका कौन सा स्कूल था, जिस स्कूल में आपने पढ़ा था पहले, ठीक है। आपको वो स्कूल का नाम डाल देना है, ठीक है। वो स्कूल का नाम डाल देना, पहले वाले स्कूल का मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, ठीक है। आपको बहुत सारे कॉलेज में होंगे तो आपको पहले वाले स्कूल का नाम डाल देना, ठीक है। डाल उसको भी सबमिट कर देना। सबमिट कर देगा आपको सक्सेसफुल साइन अप हो जाएगा। होने का आपको जो यहाँ पे कप वाला आइकन दिख रहा है ना, प्राइस वाला कॉम्पिटिशन का, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके आप भाग ले रहे हैं, आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ एक पार्टी में, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं हमने, यहाँ पे जैसे कर लो कि आप जैसे कि आप प्ले करने का बताया था, प्ले कर लेता हूँ। और यहाँ पे फटाफट में जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर ना रेंडमली क्लिक कर देता है। ऐसे जरूरी नहीं कि आपको ना पढ़ के राइट आंसर चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेंडम क्लिक किया था, मेरे यहाँ पे ना 3 राइट है और 5 रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर जरूर यहाँ पे आपका ना क्या कहते हैं 200 रुपीज आपके पेटीएम में रिसीव हो जाएगा। अगर आपको 200 रुपीज ना पेटीएम में रिसीव नहीं हो रहा तो आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्रोफाइल पर आ जाना, यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट, अकाउंट पे आ जाओगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्कूल आईडी डॉक्यूमेंट का है और एक आधार कार्ड का है। तो आपको ना स्कूल वाले में आपको आई कार्ड की जरूरत पड़ेगी और आधार कार्ड में आपको ना आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ना आपको क्या कहता हूँ, स्कूल आईडी कार्ड से ना मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। आधार कार्ड में भी वैसा ही करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपकी स्कूल आईडी कार्ड का आपको फोटो चाहिए होगा, और आधार कार्ड में आपको ना आधार कार्ड का फोटो चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, स्कूल आईडी कार्ड का फोटो ले देता हूँ। लेने के बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको ना अपना आधार कार्ड को ना अपने ना ऐसे लेके खड़े होकर ना आपके सामने फोटो कराना। तो मैं स्कूल आईडी कार्ड को ना अपने साथ में लेके फोटो खिंचा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरह से कर लेना है, कर लेता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद उसके नीचे आपको अपना बर्थडे मांगे, तो आपको जो आधार कार्ड में बर्थडे दे या फिर जो आपका स्कूल आईडी कार्ड में बर्थडे है ना, आपको वही ना बर्थडे यहाँ पर डाल देना, ठीक है, जो आपका पहले था, ठीक है। मतलब वो डाल देना, डालने का इसको भी सबमिट कर देना, ठीक है। जैसे सबमिट कर दोगे ना आपका यहाँ पे ना, क्योंकि जो प्रोसेसिंग में चला जाएगा आपको, तो आपको ना 200 रुपीज जो आपने पेटी नंबर दिया ना उसमें ना आपको ना रिसीव हो जाएगा। तो आपको ओके पे सबमिट कर देना है। तो मैं सबमिट कर देता हूँ। पर साहब ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, पर आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 200 रुपीज आपको रुपीज मिल रहा है, ठीक है। तो मैं सबमिट कर दूंगा प्रोफाइल पर, आप यहाँ पर आ जाना। प्रोफाइल पर आने का आपको आपको दिखा देगा कि आपको ना जो आपने वेरिफिकेशन भेजा है ना, वो आपका ना भी थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे मैं आगे वहाँ पे आकर जैसे यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट में मैं क्लिक करके दिखा देते हैं वहाँ पे बता रहा है। तो हम पेटीएम भी दिखा देते, जैसे कि आप 200 रुपीज रिसीव हो गया था, सिर्फ मैंने कॉम्पिटिशन में भाग लिया था, मैंने केवाईसी कंप्लीट नहीं किया था। फिर मैंने देखा कि बहुत बंदे को मैंने दूसरे मोबाइल में किया, मतलब उसमें केवाईसी कंप्लीट करना पड़ गया, ठीक है। जिससे बहुत सारे जन को केवाईसी बिना कंप्लीट के भी मिल रहा है।